Welcome Guru sir in my channel, in my podcast, and thank you so much to give us your time. स्टार्ट करते हैं अपनी एक बेसिक जर्नी से. तो जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, एक छोटा सा, कितने साल आपका एक्सपीरियंस है, अभी आप क्या करते हैं और कब आपने कैरियर स्टार्ट किया था? सो एक्चुअली मैं काम 20 साल का एक्सपीरियंस है इन QA. आई यूज टू वर्क फॉर 20 इयर्स एंड माय करियर हैज़ बीन स्टार्टेड विद वन ऑफ द MNC लाइक अ सोनाटा सॉफ्टवेयर. देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एम्फेसिस. Then I started working with Accenture. Then I started working with Wipro, Capgemini, as well as HP. I have a good solid experience on QA. What exactly? Handling the customers, okay, bringing a business to the companies. So all those things I used to do. Now, तो अभी जो recently market में चल रहा है वो है AI, right? So the question is come from the student, like how we can beat the AI or how we can utilize the AI in the career or in the working company. So see if you wanted to use AI is also one part which is going to help out the human beings, okay? But AI cannot do everything what human is going to do on the project work, right? Okay. For example, if I have so many problems, AI just, it is a support for me to take a support from AI. But conclusion is, I need to work on the project. Right. I used to have everything. Then if I want, I can take a support from AI, artificial intelligence. Okay. But I have to work on the project. I have to show the everything. With me, AI is, I have taken AI as one support for me. सो सपोज करंटली एक स्टूडेंट है जिन्होंने अभी परसुइंग है बीटेक और वट एवर स्ट्रीम ही इज डूइंग. सो इन केस अगर उनको अभी से किसी प्रोफाइल को पिक करना हो तो उसका एक सही वे क्या होगा कि मुझे इस प्रोफाइल पे करियर बनाना चाहिए? हाँ अब स्टूडेंट्स को क्या है, स्टिल दे आर स्टूडेंट्स, दे डोंट नो द इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस, राइट? एंड इंडस्ट्रीज के बारे में पता नहीं रहता है. दे हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. उनको इंटरेस्ट क्या है उसको पता भी नहीं रहता है, किस पे इंटरेस्ट दे दूं. गॉट माय पॉइंट? जस्ट यू थिंक दैट जस्ट दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द एग. यू गॉट माय पॉइंट? इफ दे कम आउट फ्रॉम द एग, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जो भी एक आदमी उसको प्रोजेक्ट वर्क एक्सपीरियंस दे रहा है, नाइदर इट इज इन जावा नॉर इट इज इन QA और इन AI, बेटर आई वुड लाइक टू सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो टू द पर्सन हु कैन गिव यू गुड एक्सपीरियंस. यू गॉट माय पॉइंट? रियल एक्सपीरियंस कौन देता है उसको? थियोरेटिकल आई वुड लाइक टू सजेस्ट डोंट गो फॉर अ थियोरेटिकल थिंग्स. आई डोंट वॉन्ट इमेजिनेशन. कोई भी आपको लेके, अरे भाई आ जाओ यहाँ पे, हम प्रोजेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, सिचुएशन फेस करेंगे, दैट प्रोजेक्ट माइट बी इन द जावा, माइट बी इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, माइट बी इन द QA, माइट बी इन द .NET, व्हाटएवर द स्ट्रीम, बट ही शुड हैव द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. ही शुड फेस द प्रॉब्लम हाउ टू एग्जीक्यूट वन प्रोजेक्ट, देन व्हाट आर द थिंग्स ही इज इंटरेस्टेड, ही कैन गो विद दैट. He might be interested in Java. He might be interested in artificial intelligence. But better, what I would like to suggest is, let him work on that particularly. Let him gain the confidence. That confidence, once he joined to the organization with the same confidence, what I feel he can mold himself anywhere because he has a good experience. He knows the situations of the project. Right. लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना स्टूडेंट के माइंड में डाउट पैदा करती हैं, जैसा कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं जो जावा डेवलपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो QA में जाना चाहते हैं, और QA की जो अवेयरनेस है वो कॉलेज में नहीं होती है. सेकंड, कुछ फ्रेंड्स हैं जो किसी और डेटा साइंस या अभी जो पॉपुलर हैं उनमें लोग जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाता उस केस में भी कि मैं किधर ट्रेनिंग करूँ. और ट्रेनिंग में वो लोग थोड़ा सा बायस्ड भी नहीं होते और डिवाइडेड रहते हैं कि यार मेरे फ्रेंड सर्कल वहाँ जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट यहाँ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे करूँ. तो वो भी एक क्वेश्चन जनरेट होता है.
हाँ, जब जब ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है उनके माइंड में, सो व्हेन व्हेन इवन दो इन इफ आई एम इन देयर प्लेस राइट, वो मेरा मेरे साथ भी हो सकता है, यू गॉट माय पॉइंट. बट मेरा सजेशन क्या है स्टूडेंट्स को, व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज हूएवर दे वांटेड टू गिव यू द प्रोजेक्ट वर्क, हूएवर दे वांटेड टू सिट विद यू, हूएवर दे वांटेड टू गाइड यू, neither it is in Java nor it is in QA nor it is in data science, whatever it might be, okay, they should pick up that particular things, get good experience. अब देखिए मेरे को data science जाना है, ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा एक person को, अरे भाई मेरे को project कौन बोल रहा है, project में क्या क्या रहता है, project का execution कैसा करना है, अब testing में जाना है मेरे को, ठीक है. See, every streamline has its own priority and its own demand. I'm not telling that Java is in demand, data science is not in demand, testing is in demand, and SAP is not in demand. I don't want to put everything in the same line. Every language, every stream has got its own value, own priority. See, if I bring one project, right, I need every people. I need a testers. I need a data science people, I need a .NET person, I need a Java person. But student को क्या करना है यहाँ पे, अरे भाई मैं अब data science ले लिया, नहीं तो testing ले लिया, ये project कौन बताएगा मेरे को, कौन मेरे साथ बैठ के काम करेगा, who wanted to help me out to execute this project, so that my confidence should get built inside me. So once I execute one project, neither in testing nor in data science nor in Java, but process remains same for all the things. तो मैं आगे जाने से पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सर का नाम है गुरुराज और ये लिटरली गुरु हैं. इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे क्यू ए की ट्रेनिंग देते हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की सारी जानकारी, सारा प्रोसेस इनके पास है, प्री डिफाइंड प्रोसेस है, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी. तो प्लीज़ सर के चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और जो भी हेल्प सर से मिल पाए वो लेने का ट्राई करें. आपको यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा. ओके, सी हर एक स्टूडेंट्स आर ही इज हैविंग करियर गैप, ही डोंट नो व्हाट टू डू, देयर इज अ क्यूए. QA is one of the easiest way to get into the industries. QA mein ek process hai. Means QA has got its own process. Once any resources, any people, if they understood that particular process, right? Aisa hota hai, haan, aisa karna hai, aisa step by step, step by step. If they understood one flow, right? One flow of execution. To the people the same way how they work me 200% they will play somewhere, that is for sure. एक QA अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैसे इम्पैक्ट ला सकता है, उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका काम कहाँ से स्टार्ट होता है? See, अब QA में कहाँ से स्टार्ट होता है बोले तो, सपोज वन पर्सन हैज जॉइन टू द इंडस्ट्रीज, इज टोटली न्यू टू द QA, न्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या देते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसको, अरे भाई ऐसा एक प्रोडक्ट है, इतना इतना फंक्शनैलिटी है, आपको क्या करना है, फर्स्ट यू अंडरस्टूड दैट प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, दैट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन विल बी कैप्चर्ड इन द वर्ड पैड, वी कॉल इट एज अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. जैसा वो रिक्वायरमेंट रहता है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट कंटेंट्स इज देयर, द सेम वे प्रोडक्ट शुड वर्क. यहाँ का टेस्टर्स का इंटेंशन क्या, टेस्टर्स का what tester need to do, they need to understand in depth of the functionality, then only he will become one of the best tester. So journey start hota hai yahan se, journey start hota hai product ke bare mein information gather karna hai, product ke bare mein sochna hai, product ke bare mein jo production mein kaam chalta hai imagination karna hai, aisa hoga because no one has seen the production environment. ऐसा इमेजिनेशन करना पड़ेगा, ऐसा रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. सो देन ही विल बिकम मास्टर, ही मे बिकम अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑल्सो, वी कॉल हिम एज SME. इफ नॉट ओनली ही विल नॉट ओनली ज्वाइन एज अ QA, ही मे बिकम द बिजनेस एनालिस्ट, ही मे बिकम द डोमेन एक्सपर्ट, देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर फॉर हिम
once he joined to the organization. जर्नी स्टार्ट होता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट को कन्वर्ट करते हैं सिनारियो के बारे में, सिनारियो कन्वर्ट करते हैं टेस्ट केस के बारे में, टेस्ट केस के अप्रूवल होता है, डिजाइन होता है. देर इज अ ह्यूज वर्क विच वन टेस्टर्स हैज टू डू वंस ही गेट एन अप्रूवल. बिल्ड आता है, द बिल्ड विच विल बी गिवन बाय द डेव टीम, देन ही नीड टू एग्जीक्यूट, ही नीड टू कंटिन्यू हिज वर्क विद द रिपोर्टिंग, retesting, regression testing. There is a systematic way of process one tester has to follow. Then a process ke bare mein importance kya hai, if the person, if he follow very good process, right? Ab kya hota hai, matlab once it's gone to the production he can expect the zero defect. Quality of deliverables acha kar sakta hai if he follow the good process. लेकिन अभी जो इनिशियली जो जो फ्रेशर्स होते हैं मोस्टली, उनको क्या लगता है जब कंपनी ज्वाइन करते हैं कि यार नहीं, मुझे तो ऑटोमेशन में ही काम चाहिए, मैं मैनुअल में काम नहीं करूँगा क्योंकि प्रोफाइल में ग्रोथ नहीं मिलेगी, राइट? तो इनिशियली लोग पैकेज को देखते हैं, कंपेयर करते हैं अदर प्रोफाइल से, कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल से. हो सकता है माइट बी फ्रेशर्स लेवल पर हर एक कंपनी का थोड़ा सा पैकेज का डिफरेंस हो, राइट? कोई छोटी कंपनी है, कोई बड़ी है, कोई स्टार्टअप है, तो ये रहता है. तो उनको इससे थोड़ा सा मतलब उनकी थॉट को कैसे मैच्योर कर सकते हैं वो खुद अपने आप को कि नहीं यार, मुझे पेमेंट या किसी और प्रोफाइल से कंपेयर नहीं करना है, मुझे मैनुअल में इतने टाइम फोकस करना है, उसके बाद ऑटोमेशन पे मूव करना है. अब क्या करना है? सो हर एक स्टूडेंट्स, आई वांट देम टू, फर्स्ट दे शुड गेट एन एक्सपीरियंस, दे शुड गेट अ गुड एक्सपीरियंस. मैनुअल में करने तो भी सही है, ऑटोमेशन करने तो भी सही है, लेकिन प्रोसेस रिमेन सेम. अब उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया, उसको कॉन्फिडेंस आ गया, ऑटोमेटिकली ही इज अ मोर प्रोडक्टिविटी इन द मार्केट. ही कैन चार्ज एनी, ही कैन डिमांड एनी काइंड ऑफ सैलरी टू द एमएनसी पीपल. इतना कैलिबर है मेरे पास, ये कर सकता हूँ मैं, आई कैन डू, गिव मी द प्रोजेक्ट, आई विल शो यू. देन कंपनी विल डिसाइड, okay, he is more confident, he is a productivity for us, definitely, right? Definitely people will pay. Initially they should not decide, are mere ko idhar ich kaam karna hai, mere ko aisa ich karna hai, that doesn't make any sense. What I would like to suggest them is get the experience. So again I would like to suggest them is start working in the startup company. Okay, startup bole to everything he has to do from himself. You got no point. Every responsibility, every ownership he should take. What are the good experience he is getting from the startup, he may not get in the MNC. You are getting my point. अब जो startup में उसको experience मिल रहा है, वो experience उसको MNC में नहीं मिलेगा. MNC process is defined, but यहाँ पे जो ये सीखता है, he will become a king once he joined to the MNC and any other company. Initially what I would like to suggest them is don't look at the salary, get good experience, get feel of the different situations in industries. Bole to ab ek project execution karne ke liye different situations aayenge, problem aayenge, solve karega, day by day learning kar rahenge, learn karega, execution karega. So this is the learning curve he will have a good in startup rather than MNC. They should not look for the salary initially, sir. Let them get a good hands on, let them build a confidence on themselves. Yahan pe ek aur question nikalta hai. Ek candidate hai jisne internship kiya hai, dusra candidate hai jisne direct company ko join kiya hai. Who will be better in that particular profile, or like internship should be done every person? What do you suggest? इंटर्नशिप वन एंगल, इट हेल्प्स द पीपल वेरी वेल. इंटर्नशिप, जो भी इंटर्नशिप करता है स्टूडेंट्स, जो भी इंडस्ट्रीज इंटर्नशिप करता है ना, ही कैन रिलेट दैट वर्क इन इंडस्ट्रीज. हाँ ये किया हूँ मैं, ये तो ईजी लग रहा है मेरे को. अब इंटर्नशिप करके जाने का बच्चे का कॉन्फिडेंस अलग रहता है, जो भी ये फ्रेश ज्वाइन होता है टीम में, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहता है. Right.
इंटर्नशिप करने के बाद जो भी बच्चे ज्वाइन होता है उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है, अरे भाई ये तो किया हूं मैं, सो आई हैव डन दिस वर्क, आई कैन डू इंडिपेंडेंटली. सो व्हेन द सी इफ यू सी आई हैव सीन बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन इंडस्ट्रीज, कपल ऑफ पीपल दे ज्वाइंड एज अ कैंपस एंड कपल ऑफ पीपल दे ज्वाइंड टू द माय टीम एज अ स्ट्रगलिंग. ओके, सो द कैंपस पीपल हु ज्वाइंड इन माय टीम दे आर ओवर कॉन्फिडेंट. Okay. You are getting my point. The person who struggle for the job and who joined to my team, he will work 1,000 times better than the person who joined in my team as a campus driven. This is my personal observation, what I observe to the people. Ab industries mein kya rehta hai sir? Industries mein kya rehta hai? Client interaction rehta hai. Professionalism, how professionally you are communicating with the people, how best you are exploring your work to the customer, how you are conveying the customer, how your behavior inside the team is also very important. See, apart from our work, whoever they join to the organization, apart from their work, they should be very professional to the work environment. And another thing is, what I would like to say, they should love their work. They should love their work. They should work very heartily to the project. 100% jaisa AI interest leke kaam karta hai, 200% he will grow very well. It is my personal experience which I am talking to you. तो ये तो हमारी बातें हो गई इनिशियली करियर स्टार्ट करने से लेके वन ईयर एक्सपीरियंस तक, लाइक इंटर्नशिप और फिर वन ईयर एक्सपीरियंस गेन किया, फिर हम लोग कैसे अपने करियर को ग्रो करेंगे राइट. अभी इसके बाद जो 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 चैलेंज आता है एज ए क्यू इंजीनियर, उनको जब भी वो इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू के अंदर उनको मैनुअल और ऑटोमेशन बहुत पैरेलली मतलब इक्वली पूछा जाता है राइट. फिर वो मैनुअल से हो या फिर ऑटोमेशन से, बहुत इक्वली पूछा जाएगा. दोनों के बेस पे ही उनका डिसीजन होता है जॉब का. तो यहाँ पे जब वो जॉब में लैंड करते हैं तो वो उनको बैलेंस करना टिपिकल हो जाता है कि मैं मैनुअल को कितना टाइम दूँ, ऑटोमेशन को कितना टाइम दूँ, और दोनों ही करना मैंडेटरी है राइट. तो इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए? जब वो इंटरव्यू पे जाता है, मैनुअल भी पूछते हैं, ऑटोमेशन भी पूछते हैं. बाद में इंटरव्यूअर क्या डिसाइड करता है, ये बंदा कॉन्फिडेंस इज मोर इन मैनुअल और मोर इन ऑटोमेशन. सो जब व्हेन आई एम गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू टू एनी रिसोर्सेज, आई वांटेड टू जज हिम वेदर दिस रिसोर्स इज रियली गुड एट मैनुअल, इज मोर कॉन्फिडेंट एट मैनुअल, और ही इज रियली गुड एट ऑटोमेशन और मोर कॉन्फिडेंस, ही हैज अ more confidence on automation. So according to that judgment, apart from these two, I would like to look that candidate with a different parameters also. Not only these two parameters, I don't want to take a judgment immediately, not only on these two parameters. I wanted to see, apart from the technical, I wanted to see his communication skills. I wanted to see his confidence level. And I wanted to see how best he is presenting himself. Then I wanted to see his attitude also. So these are the parameters I wanted to look for that particular resources. Okay. See, some resources, even though I would like to see he's having some enthusiasm to learn. If I push him up, will he able to catch the things? So every angle I wanted to look that particular resources to take the final judgment. So ab wo kaisa balance karega once he joined to the organization. I used to tell him, can you work on the manual and both automation? Okay, then he should not tell me that I don't know. He should tell me, sir, give me some times, I will come back to you. No worries, I will do it. Instead of rejecting, right? No, I don't want to do this, I don't want to do that. So these parameters I wanted to gauge in the attitude. There is one particular column, we have a score. If I
ये बंदे को मैंने काम दे दिया, ये बंदा करता है क्या नहीं करता है। क्वेश्चन ये है कि क्यूए के कैरियर में काफ़ी बिगेस्ट चैलेंजेस आते हैं, राइट? मैनेज करना, काम से स्ट्रगल करना, लोगों से कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना, रिक्वायरमेंट लेना, उनको समझना, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, तो उनसे कैसे ओवरकम करना चाहिए? सर ये अब मैं बीइंग ए टेस्टर, अब मैं काम कर रहा हूँ, सुनिए। सो जस्ट आई एम वर्किंग ऑन माय टास्क व्हाट हैज असाइन टू मी। अब इमीडिएटली ये क्या होता है, सो जस्ट आई नीड टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, आई नीड टू कम्युनिकेट विद माय टीम लीड, आई नीड टू हेल्प आउट माय द टीम पीपल आल्सो हु ज्वाइंट वेरी न्यूली। सो अब इस ए टास्क जो है, सो व्हाट आर द टास्क आई एम गेटिंग, राइट? आई नीड टू प्रायोरिटाइज इट, कौन सा इंपॉर्टेंट लगा है मेरे को, वो टास्क को हम पिकअप करना है फर्स्ट। सी कस्टमर इज अ गॉड फॉर अस, यू गॉट माय पॉइंट, बिकॉज वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम हिम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टास्क। वी नीड टू प्रायोरिटाइज विच वन आई नीड टू पिकअप फर्स्ट, वी नीड टू फिनिश ऑफ दैट, देन स्लोली जिसको प्रायोरिटी हम लेस देते हैं लेकिन करना है काम, यू गॉट माई पॉइंट, वी नीड टू वर्क ऑन इट, बट वी नीड टू प्रायोरिटाइज द टास्क, देन वी नीड टू गेट, वी नीड टू रिजॉल्व वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इट डजेंट मीन दैट आई हैव टू डू एवरीथिंग एट ए टाइम, नो, लुक एट द प्रायोरिटी देन क्लोज आउट द टास्क। नो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट लाइक चैलेंजेस. What challenges we faces and how should overcome with that those things? QA जो पर्सन जो वर्क कर रहा है, सो द पर्सन ही इज वर्किंग ऑन द QA, राइट? सो ही मे नॉट गेट द प्रॉपर नॉलेज। जो भी बंदा है ऑन साइट में केटी सेशन बोल के रहता है, वो आड़े तीड़े बोल के चले जाएगा बिकॉज ही इज लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आड़े तीड़े ये स्ट्रगल करेगा, ये क्या करना है इन दैट सिचुएशन। ही शुड बी वेरी स्मार्ट, ही शुड लिस्ट आउट द पॉइंट व्हाट ही नीड, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। दैट डॉक्यूमेंट ही शुड सर्कुलेट टू द मैनेजमेंट, द केटी सेशन हु वांटेड टू गिव फ्रॉम यूएस, ही नीड टू कंप्लीट ऑल द थिंग्स वन बाय वन, गेटिंग माय पॉइंट। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन लोकेशन रहता है, वो नहीं बता देता है कहाँ है क्या है, बिकॉज सी ही शुड ट्रैक एवरीथिंग। अब टेस्ट केसेस कहाँ है, लोकेशन पता नहीं है, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या बोलता है, अब प्रोडक्ट नेविगेशन करना रहता है, ही वांटेड टू गिव यू द प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी फ्लो। सपोज तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड इट वेरी वेल। ऐसा जो सिचुएशंस है, so these are the real situations the person 100% he will face in any organization। okay, usko samajh mein time lega wo, okay, and upar se pressure aa jayega, so you have to do this, do this, do this, complete this, complete this, complete this, but he should be very smart which one is a priority for him। first he should understand what is his scope of work, उसको क्या करना है, उसका स्कोप क्या है। वंस ही अंडरस्टूड दैट स्कोप ऑफ वर्क, राइट, डेफिनेटली इन द स्कोप ऑफ वर्क अगेन ही शुड प्रायोरिटाइज इट, कौन सा कब करना है। डॉक्यूमेंट्स ठीक से नहीं रहता है, रिक्वायरमेंट चेंज होते रहता है, रिक्वायरमेंट्स यूज टू गेट अगेन एंड अगेन चेंजेस, देयर इज अ ह्यूज चेंजेस इन द रिक्वायरमेंट्स। अब डिफेक्ट लॉक करते हैं लोग, वो डिफेक्ट रिजेक्शन रेशियो ज्यादा आते रहता है बिकॉज ही डोंट नो द फंक्शनैलिटी। डेवलपर नहीं मानेगा, अरे भाई तुम व्हाई यू आर सेंडिंग मी ऑल दोस डिफेक्ट्स टू मी, अननेसेसरी यू आर क्रिएटिंग एन इश्यू। अभी तक हमने कैरियर स्टार्ट करने से लेके कैरियर मिड कैरियर में हम लोग आ चुके हैं, गो अहेड, कैसे गो। कैरियर स्टार्ट होना चाहिए, कैसे चैलेंजेस होते हैं, कैसे फेस करें, कैसे चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जहाँ पे क्यूए के न्यू ट्रेंडिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। एज ए क्यूए, हाउ कैन आई अपडेटेड विद द न्यू ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड हाउ वुड आई नो लाइक
दिस विल बी ए न्यू टूल्स एंड टेक ट्रेंड्स इज गोइंग ऑन, आई शुड लर्न दिस और लाइक आई शुड बी यू नो अबाउट इट, लाइक हाउ इट इज गोइंग. ओके, अब देखिए सर, टेस्टिंग जो बंदा, सो ही इज डूइंग नॉर्मल टेस्टिंग राइट, सो ही शुड अपडेट हिमसेल्फ विद ऑल द स्किल्स. One project is there, it doesn't mean that another project remains same. The projects will be different. They need a different technology for the QA. Ab AI hai, artificial intelligence. He should have a good knowledge on artificial intelligence, and according to his own contribution, according to his own understanding, he should try to implement that AI with a QA. Right. Okay. Upgrade hote rata hai. See, learning curve will never end. अब कंपनी पीपल ऑल्सो देर इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन वॉट दे विल हैव. वॉट आई ऑब्जर्व इज दे आर एक्सपेक्टिंग एवरी थिंग शुड डन बाई वन पर्सन, दैट इज नॉट पॉसिबल इन क्यू इटसेल्फ. हाँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. सी वाई, इवन दो दे ऑल्सो नोज दैट इट इज नॉट पॉसिबल, दैट दे वॉन्टेड टू फेच द डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसोर्स विल बी एबल टू रीच इट. अब रिसोर्सेस के बारे में भी कंपनी वाले सोचते हैं, इवन दो दे नोस एवरी पर्सन विल नॉट नो एवरीथिंग, बट दे वांटेड टू फेच एवरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसोर्सेस हु दे वांटेड टू वेलकम इनसाइड द इंडस्ट्रीज. सी, लर्निंग कर्व नेवर एंड्स. अब एआई आ गया, कल दूसरा आएगा. दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ, दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे हैव टू मूव देमसेल्फ. So, in your opinion, what skills are essential for a QA engineer to thrive today's technologies? If you understand that today's technology, AI is good. Manual testing is also needed. Automation testing is also needed. Mm-hmm. Artificial intelligence is needed. ऑटोमेशन टूल जो जो है मार्केट में, एवरीथिंग इज एसेंशियल फॉर द रिसोर्सेस टू सर्वाइव हिमसेल्फ. एवरीथिंग कैन नॉट बी डाइजेस्टेड फॉर वन रिसोर्स, स्लोली ही नीड टू अपग्रेड हिमसेल्फ. इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, वेयर वी शुड कॉन्सेंट्रेट इन द सेंस, you should know how to handle the situations. That is very important. Naya naya technology, wo situation kaisa handle karega? Kaisa he will, how he is going to adopt the new technology for his existing project is really important. How he is adopting, how he is going there and learning and coming back and implementing all those things on his existing project. स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है. सो इफ ही वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट, इफ ही वॉन्टेड टू एग्जीक्यूट हिज प्रोजेक्ट वेरी स्पीड, वॉट आर द टेक्नोलॉजी अवेलेबल फ्रॉम आउटसाइड, ही शुड अंडरस्टैंड दैट एंड ही शुड अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी फॉर हिज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, सो दैट हिज स्पीड ऑफ वर्क शुड गो मोर. वॉट आई फील, ऐसा होता है जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है, माइग्रेशन प्रोजेक्ट्स रहते हैं, .NET to Java, Java to .NET, oh, migration project. Why they wanted to do speed of work? Execution fast hona hai. Right. Aur migration ko kya kya karna hai? Kaun sa naya technology hai kya jo easy dikh raha hai, jo migration hota hai? They should adopt that and they should implement on the project. Then, abhi hum QA ke future scope ki baat karte hain. Right. What do you think the future scope of QA engineers? Like, AI will replace machine sir, learning. Sir, the best scope. Sir, I will tell you, sir. QA ka future. I will tell you. The QA person, if he joined as a QA person, he may become SME. Subject matter experts also unko bolte hai. He may become Scrum Master. He may become Human Resource Manager. Okay. So it has a very good scope. According to my understanding, according to my thoughts, QA is one of the best choice for the person to grow his career, grow with a new technology.
अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरी लैंग्वेज एवरी टेक्नोलॉजी विल हैव इट्स ओन वैल्यू एंड ओन प्रायोरिटी. माय क्वेश्चन इज हियर लाइक व्हाट कीप्स यू पैशनेट अबाउट क्यूए इन योर 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. हाँ, पैशनेट इन द सेंस, सी वंस, सी आई एम नॉट ओनली, आई हैव नॉट ओनली डन द क्यूए, ओके ओके, आई वाज मूविंग ऑन इनटू द ऑडिटिंग. आई यूज्ड टू डू द प्रोजेक्ट, आई जॉइंड एज अ क्यूए, ओके. आई हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द क्यूए. आई एम मोर पैशनेट टू वर्क ऑन द डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी, टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी. अब देखिए, मैं क्यूए अकेला नहीं किया हूँ. आई वॉज अ ऑडिटर, means I used to audit the projects, 19 projects I used to audit, and I used to identify the gaps. I used to create the customer satisfaction index. बोलते हैं हम, बोले तो ये टीम का customer satisfaction कैसा है, auditing team. So once I sit with the manager, I used to audit their whole projects, identify the gaps, guide the project managers. If we move like this, this may happen. Identify the risk. अब CMM level 5 बोलते हैं ना, CMM level 5 बोले तो, so every project should have certain certifications. बोले तो, so if I go to the one project, I wanted to do an auditing, so that project I will make it for the CMM level 5 kind of audit prospective. बोले तो उसको एक प्रोसेस रहता है, उसको एक सर्टिफिकेशन रहता है. अब देखो, सो जस्ट आई वुड लाइक टू, फॉर द क्यूरियोसिटी आई एम टेलिंग यू, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. आई हैव एग्जीक्यूटेड वन प्रोजेक्ट वेरी सक्सेसफुली, यू बिलीव इट और नॉट. कस्टमर फीडबैक 100% आ गया मेरे को. आई एम द मैनेजर, आई एग्जीक्यूटेड द प्रोजेक्ट. कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स 100% आ गया मेरे को. कस्टमर इज वेरी हैप्पी विथ माई डिलीवरेबल्स. अब क्या करते हैं हम लोग real industries mein, whenever the person he executed 100%, we wanted to take his templates, which templates he were using. So wo template hum kya karte hai, leke best practice bolte hai hum log. Best practices means we wanted to collect every templates from that particular project, and we wanted to help other projects, boss use these templates to your project, you may reach 100% satisfaction index. जो एक बंदा प्रोसेस फॉलो करके 100% सेटिस्फैक्शन इंडेक्स लेके आया कंपनी को, वी वुड लाइक टू बीइंग अ ऑडिटर और बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस, व्हाट वी वुड लाइक टू डू, वी वुड लाइक टू रेकमेंड अदर प्रोजेक्ट्स टू यूज सच काइंड ऑफ टेम्पलेट्स, यूज सच काइंड ऑफ प्रोसेस, सो दैट दे विल ऑल्सो रीच 100%. वी कॉल इट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस. सर, क्यूए की सैलरी और डेवलपर की सैलरी में डिफरेंस क्यों है? हाँ, आई विल टेल यू वॉट इज देयर. सी, डेवलपर का सैलरी क्यूए का सैलरी डिफरेंस नहीं रहता है. आई विल टेल यू द पेन पॉइंट. आई एम टेलिंग यू व्हाई पीपल अननेसेसरी आर डिफरेंशिएटिंग. सी, वन पर्सन वंस ही जॉइनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ही शुड डिमांड नीड. पीपल शुड नॉट बेग फॉर द जॉब. इफ पीपल आर बेगिंग फॉर द जॉब, 100% HR विल नेगोशिएट एंड दे विल थ्रो देम आउट. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. आई हैव सीन प्लेंटी ऑफ पीपल हु आर इन क्यूए, they are taking more than double than the development people salary. Even I joined one of the organization, I don't want to tell the organization name, my salary was double time than my manager salary. Oh my god. Ha, see, that the salary, it is a confidence level, no one wanted to disclose that. Salary kab badhega, wo urgent situation hona hai, अर्जेंट रिसोर्स मैप होना है. विदाउट दैट रिसोर्सेस द क्यूए इज नॉट वर्किंग. वर्किंग क्रिटिकल कंडीशंस बोलते हैं हम लोग. डिलीवरी इज ऑन नेक, वी नीड अ रिसोर्सेस एट दैट टाइम. रिसोर्स इफ ही डिमांड्स, राइट, डेफिनेटली कंपनी विल पे यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग योर दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. ठीक है सर, आज का सेशन हमारा. थैंक यू.